तो कहता हूं आदरणीय प्रदीप सिंह जी, तुम्हारी औकात नहीं है अररिया से एक चीटी को निकालने की। तुम क्या बात करोगे हिंदू मुसलमान की? अगर आपको बात करनी है तो बात करो, पिछले 10 वर्षों में अररिया को आपने क्या दिया है? एक सौगात तो बता दो, एक विकास कार्य तो बता दो। पूरे अररिया जिला के आवाम से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग इन बयानों पर ध्यान न दें। इसकी औकात नहीं है कि अररिया से एक चींटी को भी उधर से उधर कर दे, तो इसकी औकात क्या है हम लोग को इधर से उधर करने की? और मुझे पूरी उम्मीद है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको आप सलाखों के पीछे भेजिए जल्द से जल्द। और दूसरी बात, मुझे अररिया के जनता पे, सीमांचल के जनता पे पूरा यकीन है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग इनको जो है वोट के माध्यम से, जो असली हमारा ताकत है, हम अवाम की ताकत है, इसको वोट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेगा और जवाब दिया जाएगा। इनसे मैं बिहार से बाहर था, चिकित्सा के संबंध में हम बेंगलोर गए हुए थे, वहीं जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसा बयान सुनने को मिला जो अररिया के सांसद माननीय प्रदीप सिंह का जो ये बयान है, इसको पूरी तरीके से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और इसके साथ पूरे सिर्फ अररिया का ही नहीं, पूरे बिहार के जो लोग हैं, इसका आप देख रहे होंगे लगातार अपने माध्यम से विरोध कर रहे हैं। ये जो उनका बयान था, निहायत ही बेतुका बयान, समाज को तोड़ने वाला बयान, अररिया जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है उसको शर्मसार करने वाला बयान था। जो अररिया जिला में आप लोग भी रहते होंगे, इस बयान के बाद लगातार आप देख रहे होंगे समाज के सभी तबके के लोगों का विरोध सांसद जी को लेके हो रहा है, इस बयान को लेके हो रहा है, और लगातार वही नहीं, आप देखे होंगे पिछले दिनों जो है जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी, उनका कहना हुआ कि दुर्गा पूजा अररिया में मनाया नहीं जा रहा था। हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, जो भी त्यौहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, हम सभी लोग, सभी समुदाय के लोग कंधा से कंधा मिला करके, एकजुट होकर के, एक दूसरे के त्यौहार में हमारा एक दूसरे को भरपूर समर्थन होता है। लेकिन आज जो अररिया के लोग, अररिया जिला के लोग आज जो इस बयान से मर्माहत हुए हैं, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आज जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, जिन लोगों ने उनको शीर्ष अर्श से लेकर शीर्ष तक पहुंचाया है, वो लोग भी आज कहीं ना कहीं इस बयान से शर्मसार हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि हमेशा सुशासन का रोना रोते हैं और कहते हैं कि हम सभी समुदाय को लेकर चलते हैं, एक तरफ उनके जो गठबंधन के साथी है, इस तरह समाज को तोड़ने वाला, इंसानियत को तोड़ने वाला, भाईचारगी को तोड़ने वाला बयान देता है, और एक घंटा में आप उसको सुरक्षा मुहैया करा देते हैं, ये कहां का न्याय है? मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि इस क्या कहते हैं बयान की निष्पक्ष जांच हो, और उन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो है अररिया में ये आगे चल करके एक मिसाल बने कि जो भी अररिया की शांति, मानवता, भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। बाकी सवाल है, कोई किसी के कह देने से हो जाता है? अरे मैं तो कहता हूं आदरणीय प्रदीप सिंह जी, तुम्हारी औकात नहीं है अररिया से एक चींटी को निकालने की। तुम क्या बात करोगे हिंदू मुसलमान की? अगर आपको बात करनी है तो बात करो, पिछले 10 वर्षों में अररिया को आपने क्या दिया है? एक सौगात तो बता दो, एक विकास कार्य तो बता दो। आपके पास विकास के नाम पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए। और आपके माध्यम से एक और बात मैं कहना चाहता हूं, उनका तो एजेंडा यही है, उनको तो यही पार्ट पर आया जाता है। पूरा देश जो है आज भ्रम के माहौल में जी रहा है ये गलत बयानी की वजह से। लेकिन जो समाज के अच्छे लोग हैं,
जो उनका साथ दे रहे हैं उनको भी सोचने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको आप सलाखों के पीछे भेजिए जल्द से जल्द। और दूसरी बात, मुझे अररिया के जनता पे, सीमांचल के जनता पे पूरा यकीन है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग इनको जो है वोट के माध्यम से, जो असली हमारा ताकत है, हम अवाम की ताकत है, इसको वोट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेगा और जवाब दिया जाएगा इनको। कैसे देखेंगे? देखिए, दोनों का हाल जो है ना, जो लोग भी इस तरह के बीजेपी में बयान दे रहे हैं, इनका हाल जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है। ना इनको पार्टी पूछ रहा है, ना इनको आम पूछ रहा है, ज़बरदस्ती को गलत बयान दे करके, समाज में जो है उन्माद फैला करके ये लोग अपने आप को जो है क्या कहते हैं मीडिया के पास रखना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और मोटिव नहीं। आपने देखा होगा जो ये इनका यात्रा है, आप लोग क्या कहते हैं प्रेस वाले लोग हैं, आप हर प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं कोई कोई जन समर्थन मिल रहा है इन लोगों को? नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, इस बयान से अररिया जिला के सभी तबके के लोग, सभी समुदाय के लोग दुखी हैं, मर्माहत है। जो लोग इनको वोट दिए हैं वो भी पछता रहे हैं। तो आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे अररिया जिला के आम से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग इन बयानों पर ध्यान न दें। इसकी औकात नहीं है कि अररिया से एक चींटी को भी उधर से उधर कर दे, तो इसकी औकात क्या है हम लोग को इधर से उधर करने की? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, हम लोग का जो है यकीन कानून पे है। और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, कानून के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, वो कभी सच्चा भारतवासी, भारत प्रेमी नहीं हो सकता।